ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामपुर में धर्म रक्षा अर्पण नीति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने बताया कि हिमाचल में 97% से अधिक हिंदू हैं, लेकिन अब षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामपुर में धर्म रक्षा अपहरण निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास क्षेत्र से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने बताया कि हिमाचल में 97% से अधिक हिंदू हैं, लेकिन अब षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण का खेल शुरू हो चुका है। खासकर लालच देकर गरीब व शोषित वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाकर सजग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर टिप्पणी करने वालों को ये समझना चाहिए कि साध्वी 25 वर्ष की है और अब तक किसी न्यायालय ने उसे दोषी नहीं माना है। विजय शंकर ने कहा कि चुनाव लड़ने पर रोक उन लोगों पर लगानी जरूरत है जिन्होंने दोहरी नागरिकताएं ले रखी हैं।